कहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। अर्थी तो उठा लेते हैं सब अश्क बहा के, नाजे दिले बेताब उठाता नहीं कोई। यूं तो ये नज्म लिखी थी मशहूर शायर कैफी आजमी ने, लेकिन इस नज्म की एक एक पंक्तियां मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर फिट बैठ रही हैं। बयालीस दिनों तक दिल्ली एम्स में राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर रहे। सब इंतजार में थे कि राजू लौट कर आएंगे और अपनी हंसी की फुलझड़ियों से लाफ्टर का गर्दा उड़ाएंगे, लेकिन हर उम्मीद हर दुआ धराशायी हो गई। राजू श्रीवास्तव बनना आसान नहीं। हंसी का बेताज बादशाह बनने के लिए अथाह संघर्ष और कभी हार न मानने की प्रवृत्ति चाहिए, जो राजू में कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने आम आदमी की दिनचर्या में शामिल उन बातों पर लाफ्टर ढूंढा जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं। राजू ने रोजमर्रा की उन्हीं बातों में हंसी के पंच तलाश कर सालों तक लोगों को गुदगुदा कर मनोरंजन किया। दिसंबर सन 1963 को राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव पेशे से कोर्ट में पेशकार थे। बहुत कम लोग जानते होंगे राजू श्रीवास्तव का असल नाम ये नहीं, उनका रियल नाम उनके परिवार ने सत्य प्रकाश श्रीवास्तव रखा था। सत्य प्रकाश शुरू से ही बड़ा चंचल था। पिता की कविताएं चोरी चोरी उनकी डायरी में पढ़कर याद कर लिया करता था, फिर स्कूल में उन पर परफॉर्म भी करता। यही नहीं, लोगों की आवाज की नकल करने का हुनर राजू में धीरे धीरे बढ़ने लगा। रेडियो में इंदिरा गांधी की आवाज सुनकर वो उसी आवाज में बोलने लगा। जब भी घर में कोई आता, राजू इंदिरा गांधी की आवाज में नकल करके उन्हें सुनाते। स्कूल कॉलेज में राजू का नाम सत्य प्रकाश के रूप में ही जाना गया। एक दिन एक महफिल में कुछ ऐसा घटा जिससे सत्य प्रकाश हमेशा हमेशा के लिए राजू बन गए। दरअसल इस महफिल में सत्य प्रकाश से कुछ लोगों ने हंसाने की बात कही, लेकिन अनाउंसमेंट करने वाले बूढ़े अंकल ने कहा, अब चंद चुटकुले सुनाने राजू आ रहे हैं। बस फिर क्या था, इस घटना के बाद से सत्य प्रकाश श्रीवास्तव हमेशा हमेशा के लिए स्टेज पर राजू श्रीवास्तव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। धीरे धीरे राजू कानपुर में ही क्रिकेट मैचों के दौरान कमेंट्री करने लगे और इसी कमेंट्री में वो हास्य का तड़का लगाकर लोगों की नजरों में चढ़ गए। अमिताभ बच्चन की नकल से भी उनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन हुआ। दरअसल एक दोस्त के कहने पर उन्हें सिनेमा का चस्का लगा। अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले देखने के लिए उन्होंने चार चार आने करके ₹1.90 बचाए और स्कूल बंक करके उन पैसों से शोले फिल्म देख कर आए। शोले देखने के बाद रोज राजू अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करने लगे और धीरे धीरे अमिताभ बच्चन के नाम से पूरे कानपुर में फेमस भी हो गए। बचपन से ही राजू श्रीवास्तव को फिल्मों में काम करने का जुनून था, इसलिए वो 1982 में मुंबई चले गए। वहां राजू ने काफी संघर्ष किया। उन्हें शुरुआती दौर में ऑर्केस्ट्रा के साथ तक काम करना पड़ा। यहां पहली बार उन्हें फीस के रूप में ₹100 मिले। उन दिनों फिल्मी पर्दे पर जॉनी लीवर का एक छत्र राज था, इसीलिए राजू जैसे कॉमेडी कलाकारों को कम ही काम मिलता था। राजू डबिंग का छोटा मोटा काम भी करने लगे। मजबूरी में राजू को छोटे मोटे रोल्स के बीच मुंबई में ऑटो चलाना पड़ा। इस दौरान राजू ऑटो चलाते हुए अपने पैसेंजर्स को चुटकुले सुनाया करते थे और कभी कभार यात्री राजू को अच्छी खासी टिप दे दिया करते थे। यही नहीं, मुंबई में खुद को स्थापित करने के लिए राजू ने बर्थडे पार्टीज तक में कॉमेडी की। एक इंटरव्यू में राजू ने कहा, उस समय फीस के तौर पर ₹50 मिलते थे,
स्ट्रगल के दिनों में मैं बर्थडे पार्टीज में जाकर 50 रुपए के लिए भी कॉमेडी किया करता था। संघर्ष के बीच राजू बड़े पर्दे पर सन 1988 में आई फिल्म तेजाब में नजर आए। इसके बाद 1989 में राजू सलमान खान के साथ साथ मैंने प्यार किया में दिखाई दिए। 1993 में राजू को शाहरुख की बाजीगर में भी एक छोटा रोल मिला। इसी साल राजू ने शिखा श्रीवास्तव से शादी की। शादी के बाद भी राजू ने फिल्मों के साथ साथ स्टेज शोज करना जारी रखा। हालांकि 80 के दशक में ही उनका टी सीरीज के साथ मिलकर कॉमेडी के कैसेट आए, जिनसे राजू को काफी लोकप्रियता मिली। लोग उनका चेहरे के बजाय उनके लाफ्टर और आवाज के दीवाने हो गए। ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई। ये 1980 के दशक की बात है। उन दिनों इतने सारे चैनल नहीं हुआ करते थे, सिर्फ दूरदर्शन था। मैं उस जमाने का आदमी हूँ। उस समय डीवीडी सीडी ये सब नहीं था, पेन ड्राइव तो था ही नहीं बेचारा। उस समय हमारे ऑडियो कैसेट रिलीज होते थे, जो फंस जाते थे तो उनमें पेंसिल डालकर ठीक करना होता। टी सीरीज में हमारा कैसेट आया था। उस जमाने की खासियत ये थी कि वो भी हिट हो गया, लेकिन बड़ी चुलबुलाहट होती थी कि हम जिस रिक्शे में बैठे हैं, उस रिक्शे में हमारा कैसेट बज रहा है, लेकिन वो सुनने वाला हमें जानता ही नहीं। कभी कभी हम उसे छेड़ने के लिए कह भी देते, ये क्या सुन रहे हो यार, बंद करो, कुछ अच्छा लगाओ। इस पर रिक्शे वाला कहता था कि अरे नहीं भैया, कोई श्रीवास्तव है, बहुत हंसाता है। राजू का सितारा बुलंद हुआ साल 2005 में। स्टार के कॉमेडी शो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ने रातों रात पूरे भारत वर्ष में राजू श्रीवास्तव को पॉपुलर कर दिया। इस शो में राजू जज बनने का ख्वाब संजो कर आए थे, लेकिन उन्हें कंटेस्टेंट बनकर कॉमेडी करनी पड़ी। राजू ने पूरे देश के बीच अपने पुराने कॉमेडी कैरेक्टर गजोधर को इंट्रोड्यूस किया, जिसने टीवी का लाफ्टर किंग बना दिया। धीरे धीरे इसी शो में आम लोगों पर सुनाए उनके लाफ्टर सबके दिलों में बसने लगे। रोजमर्रा की जिंदगी में घटने वाली घटनाओं, शादी बारात में होने वाले किस्से, रेलगाड़ियों के सफर के दौरान होने वाली बातें राजू की कॉमेडी में आने लगी। यही छोटी मगर मीनिंगफुल लाफ्टर लोगों के जहन में बस गए। इसके बाद राजू एक स्टेज शो करने का 6 से 7 लाख रुपए तक लेने लगे। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद राजू बिग बॉस, लाफ इंडिया लाफ, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, गैंग्स ऑफ हसीपुर जैसे कॉमेडी शोज भी किए। अपनी पत्नी के साथ वो साल 2013 में डांसिंग शो नच बलिए में भी आए। राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी के बीच राजनीति में भी हाथ आजमाया। 2014 में वो पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया, लेकिन चुनाव से ऐन पहले राजू बीजेपी में शामिल हो गए। 10 अगस्त 2022 के दिन राजू को होटल के जिम में ट्रेडमिल करते हुए हार्ट अटैक आया। उन्हें एम्स लाया गया। यहां लगभग 42 दिन तक उनका इलाज चला। पत्नी समेत परिवार और फैंस को उम्मीद थी कि राजू जरूर लौटेंगे, लेकिन राजू जिंदगी का दूसरा लाफ्टर शो खेलने वापस नहीं आ सके। अब 58 साल के राजू के घर में उनकी पत्नी के अलावा बेटा आयुष्मान और बेटी अंतरा है।